और हम ना यहाँ से लीमू उतारते हैं, और ये मैंने काफी सारे उतार भी लिए, अभी और उतारूंगा। ग्रेप्स का ना जूस बनता है बड़े मजे वाला, तो मैंने सोचा कि आज वो भी ट्राई कर लेते हैं। इसको मैं ऐसे ग्राइंडर में डालता हूँ। हेलो और अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज चूंकि सैटरडे है और भाई है घर पे एकदम अकेला, क्योंकि आज यूनिवर्सिटी भी ऑफ है और ऑफिस भी ऑफ है, तो मैंने सोचा कि आज चूंकि मैं घर पर अकेला हूँ तो कुछ स्पेशल ट्राई करता हूँ अपने लिए, कुछ मोस्ट फेवरेट डिश तैयार करता हूँ। तो अभी थोड़ी देर पहले मैं सोकर उठाऊँ, अभी मेरे चाय रखी है बनने के लिए, उसके बाद आज भाई का प्लान है एकदम कड़क स्पाइसी वाली बिरयानी बनाने का, जो कि मैं खुद बनाऊंगा, बनाकर आपको दिखाऊंगा कि भाई कैसे बिरयानी बनाता है और फिर कैसे खाता है, और फिर शरीकों को आग लगाऊंगा अपनी स्पाइसी किस्म की बिरयानी से। चाय भाई ने डाल ली और अब मैं पीने लगा हूँ चाय, और इसके बाद थोड़ी सी देर में इसके बाद काम स्टार्ट करूंगा अपनी स्पाइसी वाली बिरयानी का। इस वक्त मैं आ चुका हूँ अपने घर के लॉन में, और मेरे लॉन में एक बहुत बड़ा सा लीमू का पौधा है जो कि मेरे बैग पर लगा हुआ है, ये वाला। और हम ना यहाँ से लीमू उतारते हैं, और ये मैंने काफ़ी सारे उतार भी लिए, अभी और उतारूंगा। और ये कलियों का पौधा लगा हुआ है, ये साथ मौसमी फूल लगे हुए हैं, और बहुत ही जो मेन हमने पौधा उगाया हुआ है ना अपनी क्यारी में, वो लीमू का पौधा ये वाला, क्योंकि इसकी हम इसलिए ज़्यादा कदर करते हैं क्योंकि ये बदले में हमें कुछ देता है, ये बाकी हमें बदले में कुछ नहीं देते, ये चीज़ें हमें बदले में कुछ नहीं देती, इस वजह से इनकी हम ज़्यादा कदर नहीं करते। ये जब बड़े होते हैं हम इनको कटवा देते होते हैं, लेकिन ये जो है लीमू का पौधा, इसको इससे पूरी क्यारी घेरी हुई है, वहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे आके यहाँ तक एंड हो रहा है आके, इसलिए इसको हम नहीं कटवाते क्योंकि ये हमें कुछ फ़ायदा देता है। तो इसलिए कहते हैं कि कदर उसी इंसान की होती है जो दूसरों को कुछ ना कुछ फ़ायदा पहुँचाता है, जो यूज़लेस होता है उसकी कोई कदर नहीं होती। इसको उतारने का तरीका ये होता है, यहाँ से ये जो अंगूठे की टिप होती है ना, इसको उसके अंदर घुसाना होता है ऐसे करके, ये इस पे माशाल्लाह इतने ज़्यादा लीमू लगे हुए हैं कि हमारा जो पूरा मोहल्ला है वो यहाँ पे आता है और आगे लीमू तोड़ते हैं। हमने सबको अलाउ किया हुआ है कि जब भी आपको लीमू चाहिए आप यहाँ से आके लेके जा सकते हो, तो सारे यहाँ से आके लीमू तोड़ते हैं। और मैं तो बल्कि पर्सनली मैं कई बार सोचा, मैंने कहा यार क्यों ना मैं यहाँ पे बाहर कोई स्टॉल लगा लिया करूँ, लीमू सेल करना शुरू कर दूँ, लेकिन फिर भाई का ज़मीर नहीं गवारा किया। तो यार आजकल ना ग्रेप्स बड़े जबरदस्त आए हुए साफ सुथरे किस्म के, तो ग्रेप्स का ना जूस बनता है बड़े मजे वाला, तो मैंने सोचा कि आज वो भी ट्राई कर लेते हैं। इसको मैं ऐसे ग्राइंडर में डालता हूँ और ना ग्राइंडर ऑन कर दूंगा, खुद ही इसका जूस निकल आएगा और वो पे डाल के पी जाऊंगा। ये ग्रेप्स है, ये साथ में लीमू का मैंने जूस निकाल लिया है, ये साथ पानी है जो उसमें डाल रहे हैं, ये कोल्ड ड्रिंक ऐसा मैं थोड़ी सी डालूंगा साथ में, और इन दो ग्लासों में मैं डालूंगा साथ में ये पुदीना ऐड करूंगा। इसमें चीनी भी डलती है लेकिन मैं चीनी नहीं डालूंगा क्योंकि अंगूर पहले बहुत ज़्यादा मीठे हैं, इस वजह से बगैर चीनी के बनाएंगे। इसमें ना आप 7-Up की बजाय सोडा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं डालूंगा 7-Up बिकॉज आई लाइक 7-Up। बिरयानी बन चुकी है, ये देखिए जरा, भाई वाह भाई, एकदम लेग पीस पड़ा हुआ है फुल 2.5 किलो वाली मुर्गी का, साथ में ये सैलेड और साथ में ये जूस। इसको जरा उठाते हैं और टेस्ट करके देखते हैं कि कैसा बना है रे। माशाल्लाह, वेरी टेस्टी। साथ में थोड़ी सी बिरयानी टेस्ट करते हैं, बिरयानी कैसी बनी है खाकर देखते हैं।
वेरी नाइस, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजे की बनी है। तो यार अब मैं अपनी प्लेट भर के एकदम बिरयानी को एंजॉय करने लगा हूँ, साथ में जूस वूस पीने लगा हूँ। तो व्लॉग को यहाँ पे करते हैं एंड, अगर आपको बिरयानी देखने में अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में जरूर बताना, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना। तो मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, लव यू, गुड बाय।